कुछ नए तरीके का हमारा ये मिल्क केक बनकर तैयार हो गया है। और इस मिल्क केक को बनाने के लिए ना तो आपको दूध की ज़रूरत होगी, ना मावे की ज़रूरत होगी। और आप इसका टेक्सचर देखिए, कितना बढ़िया टेक्सचर है, मुंह में जाएगी, एकदम घुल जाएगी। जो भी खाएगा आपकी तारीफ ज़रूर करेगा और आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा, क्योंकि बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगता है। कोई तामझाम नहीं, कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं। तो चलिए एकदम दिल खुश करने वाली ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एकदम मिल्क केक जैसे टेस्ट और टेक्सचर वाली बर्फी बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी गेहूं के आटे की। और ये 1.5 कप मैंने आटा ले लिया है। वजन में देखेंगे तो 250 ग्राम मैंने आटा लिया है, नॉर्मल आटा है जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक है। और हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना देसी घी। वजन में देखेंगे तो 30 ग्राम मैंने इसमें देसी घी ले लिया है। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा मिक्स हो जाएगा उतना ही अच्छा हमारा मिल्क केक का जो टेक्सचर होता है वो आएगा, यानी कि वो दाना बहुत ही अच्छा बनेगा। और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। करीब मिक्स करने में हमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगी। और उसके बाद मैंने लिया है ये 50 ग्राम पानी। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें, अगर बिगनर हैं तो बिल्कुल टीस्पून से लेकर डालें। और बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से हमें इसे मिक्स करना है, इसका हमें डो नहीं लगाना है, सिर्फ आटे को पानी में मिक्स करना है। और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के लिए मैं इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से हम हथेलियों में लेते जाएंगे और इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सा हमारा इसमें दाना बनकर तैयार होने लगा है। और बस इसके बाद आप देखिए बिल्कुल अच्छा दाना बन चुका है। ये डो की फॉर्म में नहीं आया है, ना कोई इसमें ज़्यादा बड़ा टुकड़ा है। फिर भी इसे छानना होगा और छानने के लिए हम यूज़ करेंगे चलनी का जो जाली होती है। आप चाहें तो थोड़ी मोटी जाली ले सकते हैं या थोड़ी बारीक ले सकते हैं, लेकिन बारीक से जो टेक्सचर रहेगा ज़्यादा अच्छा आएगा, इसलिए मैं बारीक वाली जाली का यूज़ कर रही हूँ। जो गेहूं का आटा छानने की आती है उससे थोड़ा एक नंबर जो मोटी जाली होती है मैंने उसका इस्तेमाल किया है। और बस उसके बाद हम इसे छान लेंगे, हल्के से हाथ लगा के छान लीजिए। और लीजिए कि हमारा पूरा मिश्रण अच्छे से छान चुका है। अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो आप मिक्सी में चला सकते हैं। और लीजिए ये छानकर तैयार है। और अब आप इसका दाना भी देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एकदम बारीक सा हमारा दाना बना है। और अब आ रही है इसे भूनने की। भूनने के लिए गैस ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रखी और कढ़ाई में डाल दिया नाप कर 50 ग्राम देसी घी। इससे ज़्यादा घी की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही कम घी में ही हमारी बर्फियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। और अब ये डाल दिया इसमें आटा और अब आ रही है इसे भूनने की। भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि दाना अच्छा अंदर तक तभी अच्छा भून पाता है जब हम इसे पेशेंट के साथ भूनेंगे। भूनने में लगेंगे करीब 8 से 10 मिनट, मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनेंगे। भूनने की पहचान होती है कि दाना जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, कलर बहुत अच्छा हो जाता है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। और ये देखिए 4 से 5 मिनट में दाना हल्का हल्का सा हार्ड होने लगा है, लेकिन ये भी अच्छे से भुना नहीं है, भुनने में भी और ज़्यादा समय लगेगा। हल्का सा फ्लेम को बढ़ा देते हैं और उसके बाद और इसे हम 6 मिनट तक भुनेंगे। अब करीब 6 मिनट हो चुके हैं, ओवरऑल इसे मैंने इसे 10 मिनट भुना है और दाना अच्छा हार्ड हो चुका है, काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। अगर आपको भुनना आता है तो आपको पहचान हो ही जाएगी, अगर आप बिगनर हैं तो बहुत ही ईजी सी एक पहचान होती है कि आप मिश्रण को इस तरीके से हल्के से पलटेंगे तो नीचे से हल्का हल्का ब्राउन आएगा, काफ़ी अच्छी आपके घर में खुशबू हो जाएगी। इसका मतलब है मिश्रण अच्छा भून चुका है और परफेक्ट स्टेज है कि गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे हल्का सा ठंडा होने दें। और जैसे ये हल्का सा ठंडा हो हम इसकी चाशनी बनाएंगे। और चाशनी बनाने के लिए गैस ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रखी और कढ़ाई में बिल्कुल नाप से हम 1 कप पानी और 1 कप चीनी डाल देंगे। और जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट होती है हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप जितना मिल्क पाउडर। वजन में देखेंगे तो करीब 80 ग्राम मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हाई फ्लेम पर इसे मिक्स करते जाएंगे। और लीजिए ये पूरा कप हमने इसमें डाल दिया है और इसे बस 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर उबाल लें, उसके बाद इसे हल्का सा ठंडा कर लें। और जैसे ही मिश्रण 2 से 3 मिनट उबला उसके अंदर हम एक चीज़ और डालने वाले हैं जिससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा, वो है डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास है तो आधा कप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए। और लीजिए मिश्रण भी हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हमने जो ये आटा भून कर रखा था इसमें मिक्स कर देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म में इसे मिक्स ना करें वरना ये आटे जैसा टेस्ट करेगा। और अब एक ट्रे को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, देसी घी के साथ ही ग्रीस करें। और ये जितना भी चढ़ता
इसमें हम पलट देते हैं, अच्छे से सेट कर देंगे। बर्फ़ी आप थोड़ी मोटी या थोड़ी पतली अपने मन से बना सकते हैं, मैंने मीडियम साइज़ की रखी है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर देते हैं, थोड़े से काजू डाल दिए, बादाम डाल दिए और साथ ही डाल दिए थोड़े से पिस्ते। पिस्ते डाल देने से इस पर थोड़ा सा कलर ज़्यादा अच्छा लगता है और टेस्ट भी ड्राई फ्रूट्स के बाद थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जब ये गर्म हो इन बर्फियों को नहीं काटेंगे, बर्फियों को 2 से 3 घंटे तक हम कूल डाउन होने देंगे, लेकिन इसे फ्रीज में ना रखें, इसे बाहर ही ठंडा होने दें, बहुत जल्दी से हमारी बर्फियाँ जम जाती हैं। अच्छे से सेट करने के बाद में अब हम इसे रख देते हैं। बर्फियों को रखे हुए अब करीब 3 घंटे हो चुके हैं, अच्छी सी कूल डाउन हो चुकी हैं और बिल्कुल अच्छे से जम भी चुकी हैं। अब हम इसे काटना स्टार्ट करते हैं। आप अपने मन से इसकी शेप काट सकते हैं, मैं थोड़े बड़े साइज़ की इसकी बर्फियाँ काट रही हूँ, जैसे कि बिल्कुल मिल्क केक की होती हैं। और ये लीजिए हमारी सभी बर्फियाँ कटकर तैयार हो चुकी हैं। अब बारी है निकालने की, लीजिए बहुत ही ईजीली हमारी ये सब बर्फियाँ निकल जाएंगी और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इन पर कलर आया है, बहुत ही अच्छी देखने में लग रही हैं और टेस्ट तो इनका आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट है। ये कुछ बर्फियाँ मैंने काट कर अलग कर ली हैं और अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना अच्छा इनका टेस्ट है और कितना अच्छा इनका टेक्सचर है। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी हमारी बर्फियाँ बनकर तैयार हुई हैं। इन्हें आप 8 से 10 दिन तक फ्रीज में रखकर खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, सामान बहुत ही कम लगता है। लॉकडाउन के चक्कर में जब सामान की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, आप गेहूँ के आटे से ये मिल्क केक बनाइए और अपना अमूल्य फीडबैक मुझे दीजिए। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।